हमारे राजस्थान के एक बहुत बड़े संत हो गए, उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है कि इस संसार में व्यक्ति को हर एक वस्तु सुलभ है, लेकिन एक चीज दुर्लभ है, वह है साधु संग। वे कहते हैं, तात मिले पुनिमात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मनवांछित पाई, लोक मिले परलोक मिले विधि लोक मिले बैकुंठ हो जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख पर संत समागम दुर्लभ भाई। सब कुछ सुलभ है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है, एक ही चीज दुर्लभ है, संत समागम दुर्लभ भाई। रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं कि इस संसार में अच्छा पुत्र प्राप्त हो जाना यह दुर्लभ नहीं है, अच्छी पत्नी प्राप्त हो जाना यह भी दुर्लभ नहीं है, बहुत सारा धन प्राप्त हो जाए यह भी दुर्लभ नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए, सत संग हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अच्छा पुत्र, अच्छी पत्नी और बहुत सारा धन तो पापियों को भी प्राप्त हो जाता है। आप देखिए, हिरण्यकशिपु ये भगवान का सबसे बड़ा विरोधी था, लेकिन हिरण्यकशिपु को भी पुत्र कैसा प्राप्त हुआ? महाभागवत श्री प्रहलाद महाराज जी। मतलब पापी को भी अच्छे पुत्र प्राप्त हो सकते हैं, और अच्छी पत्नी। आप देखिए, ये मेघनाथ सुलोचना जैसी सुंदर पतिव्रता नारी इनको प्राप्त थी, लेकिन मेघनाथ का चरित्र कैसा था? लेकिन ऐसे चरित्र वाले मेघनाथ को भी सुलोचना जैसी सुंदर पतिव्रता नारी प्राप्त थी। और रावण के विषय में तो आप जानते ही हैं, रावण भगवान का कितना बड़ा विरोधी था, लेकिन रावण रहता था सोने की लंका में। कहने का भाव ये है कि अच्छा पुत्र, अच्छी पत्नी और बहुत सारा धन तो पापियों को भी मिल जाते हैं। आप सभी सिकंदर का नाम जानते हैं, सिकंदर कहाँ भक्त था, लेकिन उसके पास इतना धन था कि इतिहास में लिखा है उसके पास इतना धन था कि उसके तिजोरी का चाबी 40 ऊंट पर लाद करके लेकर चलता था। खाली तिजोरी का चाबी इतना था, जबकि वो भक्त नहीं था, पापी था, लेकिन फिर भी उसके पास इतना धन था। कहने का भाव ये है कि अच्छा पुत्र, अच्छी पत्नी और बहुत सारा धन तो पापियों को भी प्राप्त हो जाते हैं, ये दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, सुत धारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए, सत संग हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। भगवान की कथा और भगवान के भक्तों का संग, ये दो चीज ही संसार में दुर्लभ है, और कुछ दुर्लभ नहीं है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि इस संसार में भगवान भी दुर्लभ नहीं है। गीता में स्वयं भगवान की मुखोक्ति है, ईश्वर सर्वभूतानाम। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं सब जगह रहता हूँ। तो इस संसार में भगवान भी दुर्लभ नहीं है। कहते हैं, हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए, हरि हेरया सब जगह मिले, हरिजन कहीं एक होए। भगवान को ढूंढने चलेंगे तो भगवान तो सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन भगवान के जो भक्त हैं वे सब जगह नहीं मिलेंगे। भगवान के भक्त बहुत दुर्लभ है। चाणक्य पंडित जी नीति शास्त्र में लिखे हैं, गिरौ गिरौ न माणिक्यम मोक्तिक्तम न गजे गजे, चंदनम नहीं बने बने साधो नहीं सर्वत्र।
भगवान के भक्तों का संग जो है बहुत दुर्लभ है, लेकिन ऐसा सुदुर्लभ साधु संग हम सबको यहाँ पर भगवान की असीम अनुकंपा अनुग्रह से प्राप्त हो रहा है। सो हर एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह इस दुर्लभ साधु संघ का लाभ उठाए, साधु संघ करे।